नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें आपको सिविल हॉस्पिटल कैथल की दिखाई जा रही हैं। आपको बता दें कि जो डायल 112 सरकार ने जो गाड़ियां चलाई थी वो पहली कॉल पर ही जो रिस्पॉन्स है या जो घटना है वहां पहुंचेंगी। तो आज एक ऐसा ही जो उदाहरण है डायल 112 का देखने के मिला। घटना ये है कि सनीमा के पास एक घायल व्यक्ति की सूचना डायल 112 के पास आती है तो मात्र 3 मिनट में ही डायल 112 मौके पर पहुँच जाती है और 5 मिनट में हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से भी पहले पहुंचाने का उस व्यक्ति को काम करती है। और अब वो व्यक्ति है जो घायल व्यक्ति हिंद सिनेमा के पास मिला था उसको हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में जो एडमिट है वो करवा दिया गया है। तो आइए जो डायल 112 पर जो पुलिस कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करते हैं कि डायल 112 कितनी मिनट में हॉस्पिटल पहुंची और कैसे उन्होंने जो ये व्यक्ति है इस व्यक्ति की सहायता की और इसको हॉस्पिटल में जो एडमिट है वो करवाया। आइए जो पुलिस कर्मचारी हैं डायल 112 पर उनसे बातचीत करते हैं कि पूरी घटना क्या है। हाँ सर, नाम आपका? नाम अजीत सिंह है सर, एचसी अजीत सिंह। आप डायल 112? जी, 112 नंबर 12 पर हमारी ड्यूटी है। एएसआई राजेश है और एचसी अपना मामचंद जी है जी। हमारे पास कॉल आई 2:52 पे जी। कॉल आई हमें करीब 3 मिनट के अंदर, 2.5-3 मिनट के अंदर करीब मौके पहुंच गए जी। हम वहाँ हमने देखे इसका जायजा, तो इसका यहाँ चोट पेट लगी हुई थी जी। अब हमने मेडिकल में एडमिट करवा दिया है। आगे जांच में पता चलिया क्या है क्या ना है। आपकी लोकेशन गाड़ी की कहाँ थी? वहीं थी पटला बाईपास सीटा रोड, कुराना रोड सीटा रोड। और ये जो घायल मिला ये कहां? घायल था इंद्र सिनेमा के पास, इंद्र सिनेमा के अंदर जी वहाँ थे। मतलब कितने मिनट में वहाँ पहुँचे आप? हम करीब 2.5-3 मिनट के करीब पहुँच गए जी। वहाँ से हॉस्पिटल? हॉस्पिटल से करीब एक मिनट से करीब चार या पाँच मिनट के अंदर पहुंच गए। वहां से स्ट्रेचर में बिठाया, गाड़ी में डाल के तो यहां 5 मिनट में पहुंच गए। मतलब जो डायल 112 का काम है? हाँ जी, देखो भी निभाया सर, जो हमारी ड्यूटी है, हमारा सेवा करने का फर्ज है। हमने वहां पहुँचा दिया, एडमिट करवा दिया मेडिकल में जी। लगभग डेली कितनी कॉल आती है आपके पास डेली? सर करीब दिन में तो मैक्सिमम 3 या 4 कॉल आ जाए, कई बार ज़्यादा कॉल आ जाए, 9-10 भी कॉल आ जाए जी। और कई बार नील भी रिपोर्ट हो जाए सर, कॉल नहीं आती। आपको मतलब कैसे पता चलता है कि हमारे नज़दीक है जी? सर इसमें लोकेशन आती है, इसके अंदर ऐसे लोकेशन आती है। हम विक्टम से भी फ़ोन कर लेते हैं, जो फ़ोन करता है उससे कॉल कर लेते हैं, भाई आप कहाँ हो, इससे ही पता कर लेते हैं। मतलब जो सरकार ने डायल 112 जी 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 तो उसका आप उसका लोगों को बेनिफिट है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बेनिफिट है इससे सभी को। ये अच्छी सरकार ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है चला के, ताकि मौका पहुँच सका, ये कार्य कर सका। मतलब जो डायल 112 है, हाँ जी, किसी भी प्रकार की घटना हो जाए तो लोग डायल 112 पर सिटी कॉल कर सकते हैं। जो लोकेशन गाड़ी की सबसे नज़दीक होगी वो पहुँचेगी, जो सबसे नज़दीक गाड़ी है वो पहले वो पहुँचेगी। तो आपकी कहाँ तक ड्यूटी रहती है? हमारी सर सिटी का एरिया है जी, पेवा चौक, चंदाना गेट, माता गेट, डोगरा गेट, राधा स्वामी कॉलोनी, ये हमारा 11 रुद्री मंदिर, वो वहाँ तक हमारा एरिया सिटी एरिया जी। नहीं मतलब डायल 112 का काम कहाँ तक वो करते हो आप? जैसे कोई लड़ाई झगड़ा होगी, जैसे आज जी, डायल था, डायल 112 लड़ाई झगड़ा में भी चली जाती है जी, जी। मौके पहुँच जाते हैं जी, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए वहीं भी पहुँच जाते हैं। जैसे डायल 112 ये घायल हुआ, आपने यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जी, उसके बाद इसके परिजन आ गए? परिजन आ गए, हाँ, इसके माता पिता आए गए जी, हम वहाँ क्लोज कर दिया मैसेज, हम वहाँ जा रहे हैं।